काफी सारे वक्ता बोले हैं और सारे वक्ता यहाँ पे लगभग वो लोग हैं जो जमीन पे काम करते हैं, जो वाकई में जो देश में चल रहा है उससे रूबरू हैं। बस दो तीन बातें बोलते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो ये बात कि आज के दौर में ये हमला शुरू क्यों हुआ। आप देखिए कि खुद ही सारे लोग यहाँ पे बोल के गए हैं कि 50, 60, 70 के दशक तक तो ये चलता था कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में केवल एक ही तबके के लोग वहां पे जाएंगे, अपर कास्ट लोग वहां पे जाएंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा आरक्षण ढंग से लागू होना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा जो सामाजिक न्याय के प्रावधान थे नए नए बनना शुरू हुए, SC ST OBC माइनॉरिटीज PH के लोग कॉलेज कैंपसों में पहुंचना शुरू किए, बस जो लोग वहां पे बैठे हुए थे, जिनका वहां पे मठ खड़ा हुआ था, उनके मठ को तुरंत चुनौती मिलना शुरू हो गई। उन्होंने देश के निर्माण की एक नई दिशा की बात की, साथ ही साथ उन्होंने जो पुरानी रीति रिवाज थे, जो मठ थे, उनको फोड़ने की भी बात की। और इसीलिए ये बात शुरू हो गई कि अब इनको कैसे बाहर निकाला जाए। तो 91 में प्राइवेटाइजेशन आता है, आप देखते हैं सारे लोग, प्राइवेटाइजेशन का साफ साफ मतलब था कि जिस जगहों पे ये लोग पहुंच रहे हैं उनको खत्म किया जाए। उसके बाद धीरे धीरे आरक्षण में कटौती करना शुरू किया गया और अब हालत यह है कि आज के दौर में आरक्षण भी खत्म है, लोगों की जगहें भी खत्म है, सीटें भी खत्म है और किसी तरह से जो नए प्रावधान आने वाले थे वो भी खत्म है। साथ ही साथ एक और संकट जो अभी के दौर में शुरू हुआ वो था, ये जो सरकार थी ये ब्राह्मणवाद के साथ साथ अपना एक मेजोरिटेरियनिज्म का रूल लागू करना चाहती थी, जो सबको एक नजर से देखना चाहती थी, जिसने मोदी जी को भी वोट तो पिछड़े पिछड़े के नाम पे लिया लेकिन अंत में कहा कि ये हिंदू हृदय सम्राट हैं, कोविंद को भी वोट तो दलित कह के लिया लेकिन बाद में यही कहते हैं कि ये तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं, और ये सब कह कहकर इस देश को जबरदस्त तरीके से बांटा। जहां पे हमारे पुराने सामाजिक न्याय के नायक भगत सिंह, अंबेडकर जैसे लोग बात करते थे बदलाव की, तो इन लोगों ने इस देश में बंटवारे की राजनीति को शुरू किया। जब आज हम लोग यहाँ पे महाजुटान में खड़े हुए हैं और तमाम, कहा जाए कि तमाम संघर्षों में तमाम तरीके से इस चीज को झेले हैं, सीधे सीधे सप्रेशन झेले हैं, तो इस बात को कहना होगा कि फिर से हमको उस बदलाव की राजनीति को असर्ट करना होगा और बंटवारे की राजनीति को रिजेक्ट करना होगा। बात देख लीजिए आपके वहां जो सरकार है वो किस किस तरह से लोगों को गुमराह करती है। अभी दो दिन पहले मोदी जी का एक बयान आया है, बोले हैं कि जितने लोग रोजगार मांग रहे हैं वो दलाल हैं। अब आप समझिए, यूपी से जो लोग आए हैं जानते होंगे, इलाहाबाद में रहने वाले लोग, तमाम वहां पे छोटे छोटे हॉस्टलों में, छोटे छोटे लॉजेस में लोग रहता है, अपना SSC और इसका तैयारी करता है। आज SSC का सीट काट दिया गया है, पुराना भर्ती रोक दिया गया है, लोग रोजगार मांग रहे हैं तो मोदी बोलता है कि दलाल। अरे एक बात साफ साफ दिख जाएगी, अगर आप दो तस्वीरें देखिए, अगर आप जो लोग रोजगार का प्रोटेस्ट करते हैं उनका तस्वीरें देखिए, जो एकदम अपना नारा लगाते हुए सीना चौड़ा कर अपना हक मांगते हैं, दूसरा तरफ एक मोदी का फोटो देख लीजिए जो अदानी के सामने झुककर कहता है कि साहब ये भी कबूल कर लीजिए, वो भी कबूल कर लीजिए। उसी से पता चल जाएगा कि दलाली असल में कर कौन रहा। वो लोग दलाली कर रहे हैं कि जो सीना चौड़ा कर अपना रोजगार का हक मांग रहे हैं, कि वो लोग दलाली कर रहे हैं जो कमर झुकाकर जाते हैं, कहते हैं कि सब कुछ आपका ही है, आप जो भी चाहते हैं चुन लीजिए। बस इन्हीं सब बातों के साथ जो लगातार दमन चल रहा है उसका एक बार फिर से ये बात बोलनी पड़ेगी कि उसका जोरदार सामना करने के लिए हम लोगों को लगातार सड़कों पर रहना होगा, अगर साल भर जरूरत पड़ी आने वाले 2 साल तक सड़कों पर रहना होगा, और इन्हीं सब बातों के साथ आने वाली लड़ाई में आपके साथ खड़े रहने की वादे के साथ शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।